अस्सलाम वालेकुम, मैं शाबाश पर खुश आमदी बात करी महरूम की। मैं एपिसोड में 7 और 8 के प्रोमो के बारे में आज के एपिसोड में आप लोगों ने देखा किस तरह वो साथ को वहाँ देखता है और काफ़ी और रिएक्ट कर जाता है। साथ भी काफ़ी परेशान होता है ज़ारा की वजह से, और वही उसकी माँ को वो कहती है ये तो वो मैटरी है जिससे मैंने शादी की थी। साथ काफ़ी परेशान होता है, उसकी माँ उससे कहती है तुम परेशान मत हो, सब ठीक हो जाएगा। वहीं उसके पास जाते हैं, उसे कहता है कि मुझे कोई नहीं लगता कि उसने कोई गलती की है। वहीं खाने के टेबल पर ये बात चल रही होती है और ज़ाया उसकी तस्वीर ख़राब करती है अमीर की, और वो सारा इल्ज़ाम अपनी बीवी को लगाता है और वो नसरीन को ही दोष देता है। वहीं पर जब ज़ायरा को हंसी आती है तो वहां पे उस पर हाथ उठाने लगता है, लेकिन वो आगे हो जाती है कि आप ऐसा मत करेंगे। साथ आता है वो मेरे को समझाने के लिए, वहीं वो उसे कहता है कि कहती है मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया, आपको गलत फहमी हुई। आने वाले एपिसोड में देखेंगे। जोया उसे कहती है कि उसने मुझे धोखा दिया और हमारी शादी होने वाली, तुम बीच में आके उसे कहती है कि तुमने मुझे धोखा दिया, तुम ये चाहते हो जैसे तुम्हारा बाप तुम्हारी माँ को मारता है तुम वैसा ही करो अपनी माँ की अपने बाप की तरह। और दूसरी तरफ उसे वाशरूम में बंद कर देता, उसके ऊपर काफ़ी जुल्म करता काफ़ी बुरे तरीके से। वहीं जोया अपनी माँ को बताती है कि उसके तस्वीर पे किसी और ने बल्कि उसने ये सब कुछ किया था। वहीं नसरीन जाके जायरा को कहती है माफ़ी मांग लो वरना हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाएंगे। देखना ये आने वाले एपिसोड में क्या होगा, क्या नसरीन की बात को रख कर जायरा माफ़ी मांग लेगी। मेरे से आप भी अपनी रिकमेंड के जरिए जोड़ दीजिएगा।